सबसे पहले इलाहाबाद विद्यालय के छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई कि उन लोगों ने हम लोगों के आवाज़ को दम दिया और उन लोगों ने छात्र परिषद को पूरी तरह से बायकॉट कर दिया। आप खुद देख लीजिए कि जब हम लोगों को 70 लोगों को चाहिए, उसमें से मात्र 18 लोगों ने नामांकन किया है और उसमें से 2-3 लोग जो स्वेच्छा से आए होंगे, बाकी इलाहाबाद विद्यालय के प्रांतर महोदय द्वारा इलाहाबाद विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में उन्होंने नामिनेशन किया है। हम इससे स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि इलाहाबाद विद्यालय के जो भी छात्र छात्राएं हैं वह केवल और केवल यही चाहते हैं कि इलाहाबाद विद्यालय में छात्र संघ की बहाली। मैं एक चीज़ इस विद्यालय से कहना चाहता हूं कि ये छात्र परिषद कराने से पहले इलाहाबाद विद्यालय में उस चीज़ का चुनाव करा लें कि बहुसंख्यक सबसे ज़्यादा छात्र क्या चाहते हैं, छात्र संघ चाहते हैं या छात्र परिषद। अगर विद्यालय के छात्र और तुम्हारे भाई बहन छात्र परिषद चाहते हैं तो विश्वविद्यालय स्वतंत्र है छात्र परिषद कराने के लिए, लेकिन जैसा कि जत्था हम लोगों के साथ है, जिस प्रकार विद्यालय के लीगल छात्रों ने छात्र संघ के समर्थन में आवाज़ उठाई है, यह एक न एक दिन हमारा छात्र संघ बहाल होगा और विद्यालय के सभी भाई चाहते हैं कि छात्र संघ बहाल नाम होता। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि विद्यालय के जो कटुकार लोगों ने विद्यालय में तोड़फोड़ की और उसका इल्ज़ाम हमारे विद्यालय के पदाधिकारियों के ऊपर, पूर्व पदाधिकारियों के ऊपर लगाकर संगीन धाराओं में जेल भेजा गया है, उसको तुरंत वापस लिया जाए और हमारे भाइयों को जेल से रिहा किया जाए। देखिए, कारण ये था कि हाल ही में छात्र संघ बंद हो गया, तो हर चीज़ के देखने के दो नज़रिए होते, एक सकारात्मक एक नकारात्मकता। छात्र संघ में जो प्रशासन के हिसाब से नकारात्मकता बढ़ गई थी, इसलिए उसको बंद कर दिया गया और लोग छात्र संघ के ज़्यादा सपोर्ट में थे। और अभी पिछहाली में आपने देखा कि जो कल यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था तो कुछ ज़्यादा डेंजर हो गया था, उसके हिसाब से छात्र थोड़ा डरे हुए माहौल है कि नामांकन कर दिया जाएगा तो मारा ना जाए या प्रताड़ित ना किया जाए बाहर कैंपस के बाहर, तो इसलिए डर का माहौल। अभी आप नामांकन करने आए? जी हाँ, नामांकन।